हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको मालूम है, कल हम टॉपिक ले रहे थे NWFPS, नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और उनके डिफरेंट यूटिलाइजेशन ले रहे थे। और उसी कड़ी के अंदर हम आगे नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो कि कल वाला वीडियो हमारा कंटिन्यू है। इसके तहत हम बात कर रहे हैं कि इन नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को एज ए फाइबर और एज ए फ्लोसेज यूज किया जाता है। ये जो फाइबर्स होते हैं, ये डिफरेंट जो ट्रीज होते हैं, उन ट्रीज की स्पेसिफिक कुछ टिश्यूज होते हैं, उनसे प्राप्त किए जाते हैं। और ये फाइबर्स कोरस मोटे होते हैं, जिन्हें विशेष रूप से रॉप बनाने के अंदर या रस्सी बनाने के अंदर काम में लिया जाता है। हालांकि कभी कभी फाइबर्स जो ओवेक होते हैं या आकड़ा के कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के जो फाइबर्स होते हैं, वे काफ़ी सॉफ्ट और फाइन होते हैं और वे स्ट्रॉन्ग और सिल्की होते हैं, जिन्हें विशेष रूप से फिशिंग नेट्स, मछली का पकड़ने का जो जाल बनाया जाता है, उसे उसको बनाने में काम मिल जाता है। ऐसे कुछ फ्लोसेज होते हैं जिन्हें कुछ विशेष फ्रूट से प्राप्त किया जाता है। इन्हें विशेष रूप से स्टफिंग पिलोज, विशेष रूप से सिरहाने के अंदर यूज करने के अंदर, या मैट्रेस, चटाई के अंदर, या गद्दे बनाने के अंदर यूज लिया जाता है। ऐसे कुछ प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं, उनको भी कई ट्रीज से प्राप्त किया जाता है, जिनको अलग अलग कार्यों के अंदर यूज किया जाता है। विशेष रूप से जैसे तेंदू की पत्ती का आपने नाम सुना होगा, इसे विशेष रूप से बीड़ी की चारों तरफ जो खोल बनाया जाता है, उसके लिए विशेष रूप से काम में लेते हैं। ये तेंदू की जो पत्तियां होती हैं, तेंदू नामक जो ट्री होता है, जिसे डाइस्पायरस मेलानोजाइलोन कहते हैं, उससे ये प्राप्त होता है। ये विशेष रूप से मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, कर्नाटका में और उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है। करीबन 6 लाख टन तेंदू की जो पत्तियां होती हैं, इंडिया के अंदर प्रति वर्ष पैदा होती हैं, और करीबन 246,000 टन्स मध्य प्रदेश के अंदर, जो मध्य प्रदेश अपने आप में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तेंदू की पत्ती का इंडिया के अंदर, और बिहार से करीबन 53,500 टन्स प्रोडक्ट होता है, जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश से 51,200 टन्स, महाराष्ट्र से 33,000 टन्स और गुजरात से 12,900 टन्स प्राप्त होता है, जो कि ये इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं तेंदू लीव्स के। और सम क्वांटिटी ऑफ लीव्स फ्रॉम प्रोड्यूस फ्रॉम राजस्थान, कर्नाटका, इवन वेस्ट बंगाल। तेंदू की पत्तियों को बीड़ी के लिए प्राप्त किया जाता है, और इन्हें विशेष रूप से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में और अदर जो एशियन एडजॉइनिंग अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनके अंदर भी इसे सप्लाई किया जाता है। इसी प्रकार से बोहिनिया वहलाई, जिसे आप कचनार के नाम से जानते हैं, इनकी पत्तियों को प्लेट्स के रूप में कन्वर्ट करके काम में लिया जाता है, कप के रूप में कन्वर्ट करके काम में लिया जाता है। इवन कुछ जो वेंडर्स होते हैं, मिठाइयों को इसके अंदर लपेट करके भी आगे भेजते हैं। इसी प्रकार से कुछ प्लांट्स को एज ड्रग्स और स्पाइसेज और इवन पॉइजन्स के रूप में भी काम में लेते हैं। कई जो ड्रग्स होते हैं, कई प्लांट्स के फ्रूट से, फ्लावर से, रूट से, स्टेम से और लीव्स से प्राप्त होती हैं। ये ट्री के रूप में भी हो सकते हैं, हर्ब्स के रूप में भी हो सकते हैं, श्रब्स के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे आपने कुनीन का नाम अच्छी तरह से सुना होगा, जिसे सिनकोना ऑफिसिनलिस या सिनकोना पब्बीसेंस के नाम से जानते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो इंडियन फॉरेस्ट से मिलती है। ऐसे कुछ स्पाइसेज हैं जिनसे विशेष प्रकार की सुगंध उत्पन्न होती है, जिसे खाद्य पदार्थ को फ्लेवर बनाने के अंदर या तीखापन लाने के लिए या विशेष प्रकार की डिशेज बनाने के लिए इन स्पाइसेस को ऐड किया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट स्पाइसेस की बात करें तो इसे गलंजल, एल्पिनिया, गलंजला, सिनामोन और दालचीनी का नाम आपने अच्छी तरह से सुना होगा, जिसे सिनामोमम जियालेनिकम के नाम से जानते हैं। ऐसे ही लेसर कार्डामोम, जिसे छोटी इलायची इलिटेरिया कार्डामोम के नाम से जानते हैं। ऐसे ही ग्रिडर कार्डामोम या बड़ी इलायची, जिसे एमोमम सुब्बुलेटम के नाम से जानते हैं, जो कि जिंजीबरेसी का मेंबर है। ऐसे ही इंडियन फॉरेस्ट के अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेज भी मिलते हैं, जिन्हें
एज ए गुड मेडिसिन के रूप में भी काम में लिया जाता है, और इसकी स्मॉल और रेगुलर जो डिजीज यदि काम में लें तो वो एज ए मेडिसिन के रूप में काम करता है, यदि एक्सेस में काम में लें तो पॉइजन के रूप में काम करते हैं। कुछ आउटस्टैंडिंग पॉइजन्स हैं जिन्हें स्ट्राइकिन के नाम से, स्ट्राइकोनस नक्स वोमिका के नाम से जानते हैं, अकोनाइट अकोनिटम नेपेलस के नाम से जानते हैं, दतूरा स्ट्रामोनियम के नाम से जानते हैं, गांजा कैनाबिस के नाम से जानते हैं। इनकी मात्रा यदि कोई व्यक्ति एक्सेस में लेता है तो वह नशेड़ी हो जाता है या हार्मफुल हो जाता है। कई बार अत्यधिक मात्रा का सेवन करने पर ब्रेन हेमरेज जैसी स्थिति भी आ जाती है, पागलपन जैसी स्थिति भी आ जाती है। तो ऐसे ये यदि स्मॉल क्वांटिटी में ली जाएँ तो मेडिसिन का काम करती हैं, और एक्सेसिव रूप में ली जाएँ तो ये हार्मफुल हो जाती हैं, जो पॉइजन का काम करती हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट्स हैं जिनको यूज्ड एज एडिबल प्रोडक्ट्स के रूप में काम में लेते हैं, जिनमें कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं या रूट्स हैं जिनसे विशेष प्रकार के एडिबल प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। जैसे आप जानते हैं फलों का राजा जिसे मैंगो के नाम से जानते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, ऐसे ही बील जिसे शिवजी का पेड़ कहते हैं, ईगल मार्मी लॉस के नाम से जानते हैं जिसे आप विशेष रूप से गर्मियों के अंदर ठंडा पेय पदार्थ पीते हैं, ऐसे ही बेर जो राजस्थान का एक फ्रूट है जिसे जिजिफस जुजुबा, जिजिफस नुमुलेरिया, जिजिफस मोरिशियाना, जिजिफस जुजुबा छोटा झाड़ी के रूप में होता है, जिजिफस नुमुलेरिया एकदम छोटा झाड़ के रूप में होता है, और जिजिफस मोरिशियाना जिसका बड़ा बेर होता है जिसे पेमली बेर के नाम से जानते हैं या चोमू वाले बेर के नाम से जानते हैं राजस्थान के अंदर, ऐसे ही जामुन जिसे सीजियम कुमुनी के नाम से आप जानते हैं, खिरनी जिसे मेनिक्लेंड्रा मनिक्लारा हेगजेंड्रा के नाम से जानते हैं, ऐसे ही फालसा जिसे ग्रेविया एसिटेकन के नाम से जानते हैं, सीताफल जिसे एनोना स्क्वामोजा के नाम से जानते हैं। ये सभी फ्रूट्स हैं जो फ्रूट्स के रूप में काम में लिए जाते हैं, जो विशेष रूप से फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कर्नल्स जिसे केश्यू नट के नाम से जानते हैं, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटली के नाम से जानते हैं, जिसे ऐसे ही अखरोट और वालनट जिसे जगलन्स रिजिया के नाम से जानते हैं, अचार चिलगोजा जिसे पाइनस जिराडियाना जिम्नोस्पर्म है उसके नाम से जानते हैं, ऐसे ही कीमल, ये इस प्रकार के इम्पोर्टेंट फ्रूट हैं। ऐसे आमला जिसे फाइलेंथस एम्बलिका के नाम से, या अनार पुनिका ग्रेनेटम दाडम के नाम से, इमली टेमरेंडस इंडिका या करुंदा केरिसा करंडास के नाम से, या मुंगा कचनार बोहिनिया वेरिगेटा के नाम से, या कैथ लिमोनिया एसिडिशिमा के नाम से, मशरूम जमीकंद अमोर्फोफेलस पेओनी फोलियस, ऐसे गुच्छी मोर्चेला एस्कुलेंटा के नाम से, इन नामों से इनको जाना जाता है। और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें एज ए पिकल्स आचार के रूप में और वेजिटेबल्स के रूप में यूज़ करते हैं। ऐसे ही पाम यार जिसे बोरासस प्लेबलीफर के नाम से जानते हैं, जो पाम है, ऐसे ही पाम फिनिक्स डक्टाइलीफेरा या महुआ मधुका लोंगीफोलिया जिससे विशेष रूप से शराब बनती है, ऐसे ही इन प्लांट्स के विशेष रूप से कोरोला या पेटल्स को लिकर बनाने के अंदर काम में लिया जाता है, और इवन इनके जो सीड्स होते हैं उनको खाने के अंदर भी काम में लेते हैं। ऐसे ही तेज पत्ता जिसे आप स्पाइसेस के रूप में काम में लेते हैं, शिमामोम टमेला के नाम से जानते हैं, जिसे कड़ी वगैरह के अंदर फ्लेवरिंग के अंदर काम में लेते हैं इसकी पत्तियों को, जो एक छोटा और एवरग्रीन ट्री है। ऐसे ही कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, और ये एनिमल प्रोडक्ट्स प्लांट से ही प्राप्त होते हैं, और इन एनिमल प्रोडक्ट्स में जैसे लाख का नाम आप सुनते होंगे, महिलाएं जो लाख की चूड़ियां पहनती हैं, ये चूड़ियां विशेष रूप से प्रोडक्ट तो एनिमल का ही है, लेकिन ये एनिमल प्रोडक्ट फॉरेस्ट से प्राप्त होता है, और फॉरेस्ट के अंदर विशेष रूप से एक माइन्यूट इंसेक्ट होता है जिसे लेसिफर लेका के नाम से जानते हैं, और ये लेसिफर लेका नामक जो इंसेक्ट होता है ये विशेष रूप से लार्ज वेराइटी ऑफ ट्रीज हैं जो फॉरेस्ट के अंदर पाई जाती हैं, जिनमें जैसे पलास है जिसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या डाक की तीन पात के नाम से जानते हैं, या पीपल जिसे फाइकस रिलीजियोसा के नाम से जानते हैं, कुसुम
या शिशु डालबर्जिया शिशु के नाम से जानते हैं, या शिशिर या कुल या गुलर फाइकस रेशिमोसा के नाम से जानते हैं, या बेर जिजिफस नोमुलेरिया के नाम से जानते हैं, या बनियान फाइकस बेंगालेंसिस के नाम से जानते हैं, या जुजुबा जिजिफस जुजुबा के नाम से जानते हैं। इन सब के ऊपर ये जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट रहता है और वहाँ पर लाख प्रोड्यूस करता है, और इस लाख को महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये इंसेक्ट सिर्फ प्लांट्स के ऊपर ही अपना फीडिंग करता है और फीडिंग से लाख का प्रोडक्शन करता है। इस प्रकार के जो ट्रीज होते हैं, ये विशेष रूप से छोटा नागपुर के अंदर या प्लेटू ऑफ झारखंड के अंदर या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, वेस्टर्न बॉर्डर एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर, या ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर, या नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा के अंदर, और इवन इसकी लेसर एक्सटेंट आसाम के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, या कर्नाटका और पंजाब के अंदर भी पाई जाती है, जहाँ पर ये ग्रो करते हैं। इंडिया को प्रैक्टिकली होल्ड्स मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ लाख है। इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसकी मोनोपोली है लाख के प्रोडक्शन करने के अंदर। और करंट एनुअल प्रोडक्शन की बात करें लाख की इंडिया के अंदर, तो इसकी प्रोडक्शन है 18,500 टन्स, विच अबाउट 85% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन। वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन होता है लाख का, उसमें से 85% तो हमारे इंडिया से ही जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं इंडिया की इसके प्रोडक्शन के अंदर मोनोपोली है। और ये इस इनमें से यदि मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो 40% तो झारखंड से प्रोडक्शन होता है, और 30% छत्तीसगढ़ से होता है, और 15% वेस्ट बंगाल से होता है, 5% महाराष्ट्र से होता है, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से और आसाम से होता है, और करीबन 95% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन जो होता है इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। और हमारा जो मुख्य कस्टमर है लाख का, जो लेने वाला कस्टमर है, ये यूएसए, रशिया, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम है। एट प्रेजेंट यदि हम बात करें तो लाख को वाइडली यूज्ड मेडिसिंस के अंदर काम में लेते हैं, प्लास्टिक्स के अंदर काम में लेते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के मटेरियल के रूप में काम में लेते हैं, सिल्क को डाइंग करने के काम में लेते हैं, और चूड़ियाँ बनाने के अंदर काम में लेते हैं, पेंट्स करने के अंदर काम में लेते हैं, वैक्स को सीलिंग करने के काम में लेते हैं, ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग के लिए इसको काम में लेते हैं, लेदर और वुड फिनिशिंग करने के लिए इसको काम में लेते हैं, इवन कई ऑर्नामेंटल आर्टिकल्स बनाने के अंदर भी इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा अन्य कई एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप हनी के नाम से जानते हैं, शहद के नाम से जानते हैं, वैक्स मोम के नाम से जानते हैं, सिल्क मोथ के नाम से जानते हैं, हॉर्न्स एंड हाइड्स, कई जो एनिमल्स होते हैं उनके सिंग्स वगैरह होते हैं, जो डेड एनिमल्स से जिनकी हड्डियां होती हैं उनसे, आइवरी और एंटलर्स डियर के होते हैं, ये सारे के सारे इन एनिमल प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, जिनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है। इस प्रकार के जो मेंशन मेजर और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये वेरियस पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है हमारी इंडियन इकोनॉमी का। हमारी इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 3.5% मिलियन पर्संस इस फॉरेस्ट एक्टिविटीज के अंदर ही जुड़े हुए हैं या एंगेज्ड हैं, और इनमें से अबाउट 2% ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू आता है। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होती है, आय होती है फॉरेस्ट प्रोडक्ट से, वो 2% आय होती है, और ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है गवर्नमेंट रेवेन्यू फॉरेस्ट से। और सम स्टेट्स की बात करें जिसमें महाराष्ट्र है, उत्तराचल है, कर्नाटका है, केरला है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, इसकी ग्रॉस रेवेन्यू फॉरेस्ट की बात करें तो फार ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेस्ट एक्टिविटीज। जितना फॉरेस्ट एक्टिविटीज के ऊपर खर्च किया जाता है उससे ज़्यादा तो अर्न कर लिया जाता है। और सम फॉरेन एक्सचेंज इज आल्सो अर्न्ड बाय एक्सपोर्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से सेकेंड पार्ट के अंदर NWFPS नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हैं, किस प्रकार से
प्राप्त किए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और किस किस काम में लिए जाते हैं, इन सब का हमने इस वीडियो के अंदर उल्लेख किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके ई कंटेंट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहिए और इवन जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप से बना रखे हैं आपके अलग अलग क्लास के, जैसे एमएससी फाइनल बोटनी का 9th पेपर का टॉपिक है तो एमएससी फाइनल ईयर बोटनी के जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उससे आप जुड़े रहिए और ई कंटेंट देखते रहिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और इस कोविड महामारी से अपने आप को बचाए रखिए। धन्यवाद।